जय गुरु जी। जय गुरु जी देवेंद्र जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। कैसे हैं सब? जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से सब अच्छे। जय गुरु जी। जय गुरु जी सुषमा जी, जय गुरु जी अंजलि जी, जय जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह जी, जय जय गुरु जी। स्टार्ट करते हैं संगत जी, बट फर्स्टली शुक्राना टू प्यारे प्यारे सतगुरु जी जिन्होंने ये सेवा बख्शी शुक्राना बुलवाने के लिए, क्योंकि ये गुरु जी के हुक्म से होता है कि गुरु जी अपनी सेवा अपने आप लेते हैं, क्योंकि गुरु जी कहते हैं जो बोल रहा है, जो सुना रहे हैं सत्संग, उनका भी कल्याण, और जो सुन रहे हैं उनका भी कल्याण। तो ये गुरु जी के वेज हैं ब्लेस करने के। बेहद शुक्राना गुरु जी महाराज जी का और अंजलि आंटी का, गुरु जी बहुत ब्लेस करें उन्हें जिन्होंने ये सेवा बख्शी मुझे। और लास्ट सत्संग गुरुजी ने एफबी पे 1 जनवरी को लिया था और 11 जनवरी को है आज। और गुरुजी नोज कि क्या लीला होती है, गुरुजी की लीला अपरंपार है जिसे कोई नहीं जान सकता। बेहद शुक्राने शुक्राने गुरुजी महाराज जी के सेवा बख्शने के लिए। और सबसे पहले मैं यही सत्संग शेयर करना चाहूंगी कि हर सेवा के पीछे ना सच में संगत जी एक ब्लेसिंग होती है, जो हमें नहीं पता कि गुरु जी हमारे कौन से कष्ट कटवा रहे होते हैं। अगर हम शुक्राना बोल रहे हैं तो कौन कौन से हमारे कार्मिक अकाउंट्स गुरु जी कट कर रहे होते हैं, और जो सुन रहा होते हैं उन्हें भी, उनके आंसर्स भी मिलते हैं, और उन्हें किन किन तरीकों से गुरु जी ब्लेस करते हैं वो सिर्फ गुरु जी जानते हैं। जय गुरु जी दीपक जी। एक सत्संग मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी कि अभी रिसेंटली मुझे एक प्लेटफॉर्म है ओम नमः शिवाय, उसमें मुझे सेवा मिली अरदास सेवा करने की। और मैं सोच रही थी कि उसमें ना आंटी जो है वो अरदास करती हैं, और इतनी प्यारी अरदास करती हैं कि मुझे लगता है कि वो सब कुछ ही बोल देती हैं गुरु जी को, सब कुछ ही तो मांग लेती हैं। मीन सब कुछ अरदास पूरी इतनी अच्छी तरीके से वो करती, तो मुझे लगता था कि आंटी क्यों फिर किसी और संगत का नाम अनाउंस करती हैं और बोलती हैं कि आपकी अरदास सेवा है, और अचानक से मेरा ही नाम अनाउंस हो जाता है कि अरदास सेवा सुनैना आंटी आपकी है। तो यही मेरे मन में चल रहा था, जय गुरु जी कनिका जी, जय गुरु जी कविता जी। और मेरे मन में क्वेश्चंस चल रहे थे, और गुरु जी सब जानी जान है, गुरु जी को सब पता होता है कि क्या आपके मन में चल रहा है। और अचानक से क्या होता है, मैं अंदर जाती हूँ रूम में और मेरी डॉटर कहती है कि मम्मा, मतलब वो ना कुछ नेगेटिव बातें करने लग जाती है, मम्मा अगर ऐसे घर में आग लग जाए या ऐसे ब्लास्ट हो जाए या कुछ। तो मैंने कहा यार ये क्या बोल रही है शैरन। उसके बाद ना संगत जी मैं सैंडविचेस बना रही थी चीज वाले, और कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कि मतलब ऐसे वो बर्स्ट हो जाए चीज एकदम से, और मतलब मेल्ट होके वो एकदम से मेरे हाथ पे ना, मैं जैसे उसको रख रही थी तो मैंने प्लेट नहीं ली और मैं अचानक से उसको ऐसे ही निकालने लगी, तो मुझे नहीं पता क्या हुआ, वो एकदम से इतना ज्यादा गर्म था कि वो सीधा मेरे हाथ पे आके गिरा, बहुत तेज और इतना ज्यादा गर्म था। लेकिन मेरी अरदास सेवा तो मुझे करनी ही थी, लेकिन गुरु जी के अपने वेज है आंसर देने के कि अगर कुछ भी हो रहा है तो गुरु जी के हुक्म से हो रहा है, और गुरु जी आपको ब्लेस कर रहे हैं, और सच में अगर आप शुक्राना कर रहे हो तो इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है, क्योंकि गुरु जी बुलवाने वाले हैं सब कुछ, और बेहद शुक्राने शुक्राने। और उसके बाद मुझे संगत जी उसमें ना आरती सेवा होती है मेरी, तो मुझे आरती भी करनी थी हाथ से, जबकि मेरे हाथ पे इतना ज्यादा रेड हो गया था और मुझे लग रहा था कि इसमें बहुत छाले हो जाएंगे,
और मुझे आरती भी करनी ही थी और गुरुजी ने करवाया, लेकिन बिलीव मी, और मेरे पास टिक्का भी नहीं था उस टाइम पर चंदन का, वो भी परचेज करने वाला था। तो मैं सोच रही थी कि अब क्या होगा, लेकिन मुझे आंसर मिला कि हमारे बहुत बड़े बड़े कष्ट होते हैं जो गुरुजी हमें जानने भी नहीं देते, और वो हमारे कष्ट काट देते हैं और हमें पता भी नहीं लगने देते। और मेरे हाथ पे कुछ भी नहीं हुआ, इवन एक छाला भी नहीं, जबकि मुझे लग रहा था कि बहुत ज्यादा मतलब छाले हो जाएंगे, बट गुरुजी का बेअंत शुक्राना। और मुझे आंसर मिला कि मतलब दोनों ही ब्लेस होते हैं, जो सत्संग सुनाता है वो भी, और जो सत्संग सुनते हैं, और गुरुजी कहते हैं जो सुनते हैं उनका तो ज्यादा कल्याण होता है। तो बेअंत शुक्राने ही शुक्राने गुरुजी महाराज जी के। और एक सत्संग जो मेरे माइंड में अभी रिसेंटली आया था वो मैं शेयर करना चाहूंगी कि लॉकडाउन का, जब लास्ट लॉकडाउन का टाइम था तो मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, जय गुरुजी मीता जी, मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही थी कि बड़ा मंदिर कब ओपन होगा। और मैं सबसे पूछती रहती थी कि कब होगा और कब जाएंगे। तो मुझे ये सत्संग अभी रिसेंटली याद आया था, मेरे मन में था कि मैं जरूर शेयर करूंगी। तो गुरुजी इतने प्यारे हैं कि आपके भाव जानते हैं। तो अमृत वेले का टाइम था और मैंने क्या देखा कि मैंने दो मोड़ देखे अमृत वेले के टाइम, और वो मल्टी कलर्स के थे, मतलब सारे रंग थे। और मैं ड्रीम में कह रही हूँ, मैंने कहा ऐसे भी कोई मोर होता है, ऐसे तो मैंने कभी कोई मोर नहीं देखा कि इतना कलरफुल मोर। और बिलीव मी संगत जी, जब जिस दिन मैंने ये ड्रीम देखा था ना, मीन्स अमृत वेले के टाइम, और उसी दिन मंदिर ओपन होना था, और मतलब शाम को जब लाइव आया तो गुरुजी ने मुझे दिखाया कि गुरुजी और शिवजी जी, वो जो पिकॉक के दर्शन गुरुजी ने कराए थे वो पूरी ड्रेसअप वही था। तो बेअंत शुक्राने शुक्राने गुरुजी महाराज जी के, कि मेरा मन था कि बड़े मंदिर ओपन और मैं दर्शन करूं, तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में आकर के ही मोर के रूप में दर्शन दिए थे। बेअंत शुक्राने शुक्राने गुरुजी महाराज जी के। तो ये सत्संग मुझे अभी अभी याद आया था, तो मैंने कहा मैं जरूर शेयर करूंगी, और मैंने नहीं किया। जय गुरुजी पहले नहीं किया था। जय गुरुजी मधु जी, जय गुरुजी मोनिका जी, जय गुरुजी उमेश जी, जय जय गुरुजी। और सत्संग ये शेयर करना चाहूंगी कि अभी जैसे गुरुजी ने डुगरी मंदिर बुलाया था, और काफी ये डाउटफुल था कि संगत जी जैसे मेरा ना वैक्सीन नहीं हुआ, और मैंने वैक्सीन नहीं लिया, मुझे कई बार बोला सपने कि वैक्सीन लो वैक्सीन लो, बट मैं नहीं ले पाई। एक तो गुरुजी को पता है कि मुझे डर बहुत लगता है, सेकेंडली मुझे होता है कि जब गुरुजी हर जगह प्रोटेक्ट करते हैं, हर जगह रक्षा करते हैं, जब हम पेट में थे तब भी गुरुजी ने रक्षा करी, इवन हर जगह पर, इवन कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है तो गुरुजी हमें बचाते हैं, तो क्या लगता है कि गुरुजी कोविड में ही रक्षा करेंगे, और किसने रक्षा करी? गुरुजी ने ही करी। और मेरा ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं वैक्सीन के लिए जाऊं, और गुरुजी की इतनी कृपा है कि गुरुजी की कृपा से सब अच्छा चल रहा है, और गुरुजी के नाम में इतनी शक्ति है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है, जय गुरुजी पूनम जी की, गुरुजी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो गुरुजी अपने आप ही सिमरन में लगा देते हैं, अपने आप ही मंत्र जाप सुनवाते हैं, और मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि आपको हर प्रॉब्लम से बाहर निकाल देती है, कि इतना पावरफुल है मंत्र जाप। और गुरुजी ने हमेशा यही करवाया कि जब भी कोई प्रॉब्लम आई भी तो मंत्र जाप किया और गुरुजी के चरणों में बैठे, और वो प्रॉब्लम जो है बिल्कुल वैनिश हो जाती है। तो मैं वैक्सीन नहीं ले पाई थी, बट इस बार सब कह रहे थे कि वहां पर बहुत स्टिकनेस होगी और ये होगा वो होगा, बट मेरे मन में था कि मुझे जाना ही जाना है, और गुरुजी की कृपा है कि मैं, गुरुजी ले जाते हैं और गुरुजी के दर्शन हो जाते हैं। तो इस बार भी गुरुजी ने डुगरी मंदिर बुलाया, और इस बार ये था कि गुरुजी ने नोएडा से सेवा बख्शी और हम सब नोएडा से गए, और बेअंत शुक्राने शुक्राने, और गुरुजी के इतने प्यारे दर्शन हुए, और बहुत ही प्यारे दर्शन गुरुजी मेहरून चोले में वेलवेट के, और इतने सुंदर लग रहे थे गुरुजी। और मुझे मेन यही होता है कि कोई सेवादार मुझे टोके नहीं उस टाइम पर, कि मैं आराम से दर्शन कर सकूं गुरुजी के, और वही हुआ। बेअंत शुक्राने शुक्राने गुरुजी, ये सब के भाव समझते हैं। जय गुरुजी मीता जी, थैंक यू सो वेरी मच, शुक्राना टू गुरुजी महाराज, सब गुरुजी का है, सब सत्संग भी गुरुजी की कृपा से बने हैं, और सब गुरुजी ही है, सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। बेअंत शुक्राने शुक्राने गुरुजी महाराज जी के। और जो भी भाव मैं लिख लेती हूँ कि गुरुजी जो भी बुलवाना चाहते हैं मेरे से, क्योंकि कई बार मैं ब्लैंक हो जाती हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता, तो जो भी भाव गुरुजी ने मुझे दिया आज मैंने लिख लिया उनको, मैं हमेशा लिख लेती हूँ। और
गुरुजी ने ये लिखवाया कि हमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है सिचुएशन को लेकर के, कि क्या सिचुएशन है, जो भी है, अगर कुछ भी हो जाए, कैसी भी प्रॉब्लम हो, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो हमें हमेशा गुरुजी पे भरोसा रखना है और गुरुजी कृपा बनाए रखे, हमारा भरोसा हमेशा बना रहे और बढ़ता रहे। और हमें किसी चीज से डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है हमें। और अगर होना है तो आपको कुछ भी घर बैठे भी हो सकता है, आपको कोई प्रॉब्लम अगर आनी है तो वो घर बैठे भी आ सकती है। तो हमें इस चीज से नहीं होना, इसके बजाय हम सिमरन कर सकते हैं, हमें गुरुजी से अरदास करनी है कि गुरुजी आप सबके अंग संग रहना, सबकी रक्षा करना, और जो भी ये प्रॉब्लम है कोविड की, इसका खात्मा कर दो, कि ये कभी भी ना आए और हम सब हमेशा हमेशा हम सब जय गुरु जी दुआ जी, जय गुरु जी बिमला जी, शुक्राना तो गुरु जी महाराज, और हम हमेशा सत्संग में जाते रहे, क्योंकि सत्संग से बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है। इवन संगत जी आप मेरे से पूछो, जब फर्स्ट टाइम कोविड का हुआ था और मैं सत्संग में थी और आंटीज ने ना फटाफट से संगत को बाहर निकालना शुरू कर दिया कि सिचुएशन ऐसी है और मास्क भी नहीं लगा रखे, ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो मेरे मन में तो क्वेश्चन ये चला था, मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग है कि गुरु जी जब आप बैठे हो, आप हो मीन्स आप हर मुश्किल से हमें बचाते हो, कोई ट्रक आ रहा होता है, कोई गाड़ी आ रही होती है, कितने एक्सीडेंट से आप हमें बचाते हो, कितनी प्रॉब्लम से घर में, कितनी बार संकट आते आप हमें बचाते हो, तो क्या इस संकट में नहीं बचाओगे। मीन्स हम मतलब मुझे समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ कि शायद ये गुरु जी के हुक्म के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, शायद ये पॉजिटिव वे में इस तरीके से लेना चाहिए कि हमें गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाने का मौका मिल रहा है। तो हमें उसे इस वे में लेना चाहिए कि अगर हम मिलकर सत्संग नहीं कर सकते, अगर अलाउड नहीं है, तो हम घर घर में बैठकर सत्संग करें और सब फैमिली मेंबर्स बैठ के सत्संग करें। और सत्संग करना बहुत ही सिंपल है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि गुरुजी के सत्संग को बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी बना दिया गया है, जबकि गुरुजी को तो आप कभी भी याद कर सकते हो, और गुरुजी का सत्संग करना बहुत सिंपल है। आप घर में सिंपल चाय प्रसाद से भी सत्संग कर सकते हो, बिस्किट रख के भी सत्संग कर सकते हो, और ऐसा कुछ नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ आपके भाव चाहिए, और उनको कोई गद्दी नहीं चाहिए, उनको कोई चोला नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो सब देने वाले हैं, सदा सदा दातार। और आप सब बैठ के, और गुरुजी के लिए कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, अगर कोई बड़ा है तो गुरुजी ने बड़ा बनाया है उसे, और अगर कोई छोटा है तो जिस दिन गुरुजी की मेहर होगी तो वो भी बड़ा हो जाएगा। तो और अगर किसी में कोई क्वालिटीज है तो वो भी गुरुजी की है, और किसी में नहीं है तो वो भी गुरुजी की कृपा नहीं है। मीन्स गुरुजी के लिए सब इक्वल है, गुरुजी की मेहर पर है, गुरुजी की नजर पे है सब कुछ। तो हमें हमेशा शुक्राने में रहना चाहिए, और गुरुजी सब पे मेहर करे और सबको निमरता बख्शे, और मुझे भी गुरुजी कृपा करना। और सॉरी, बहुत सारी गलतियां होती हैं, और गुरुजी और मेरे साथ संगत जी मेनली ऐसा है कि जब मैं डाउन होती हूँ ना, मीन्स जब मैं नेगेटिव होती हूँ, तो मुझे शुक्राना सेवा मिल जाती है। गुरु जी को पता होता है कि गुरु जी कैसे, गुरु जी के वेज ना अमेजिंग है। और बयान शुक्राने शुक्राने, थैंक यू सो वेरी मच संगत जी। पता है मैं गुरु जी से ना, और अभी मम्मी से कॉल करके ये पूछ रही थी कि मम्मी मेरा लाइव सत्संग है, मैं सुंदर दिख रही हूँ ना, और आपने आंसर दे दिया, तो मुझे देख लो गुरु जी ने आंसर दे दिया। बेहन शुक्राने शुक्राने गुरु जी महाराज जी के, सब में गुरु जी है, आप में भी गुरु जी, मुझ में भी गुरु जी, सब में गुरु जी, कण कण में गुरु जी है। तो हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, गुरु जी सबके साथ है। अगर वैसे संगत जी आप ये करो कि ज्यादा बाहर मत निकलो, क्योंकि इस टाइम को आप इस वे में लो कि गुरु जी के साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन बने, सिमरन करो, सेवा करो। अगर गुरु जी अमृत वेला उठाते हैं तो उठो, अगर नहीं उठ पाते या नहीं उठाते, नींद नहीं खुलती, तो भी गुरु जी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। गुरु जी को पता है किसको किस तरीके से ब्लेस करना है, से सिमरे जी नाप सिमराए। गुरु जी को पता है कितनी रिक्वायरमेंट किसकी, और गुरु जी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे पेरेंट हैं, इनसे बड़ा कोई पेरेंट नहीं है, ये आपका इतना ध्यान रखते हैं। अगर आपकी कंडीशन नहीं है तो ये आपको अमृत वेला भी नहीं उठाते हैं, इतने प्यारे हैं गुरु जी, और आपको सब कुछ ब्लेस करके आपको कहते हैं हुन जा ऐश कर। उसी से रिलेटेड मैं एक सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। पहले जब स्टार्टिंग का टाइम था, जब मेरा नया नया कनेक्शन हुआ था गुरुजी के साथ, तो गुरुजी अमृत वेला और दिन में भी, मतलब
थैंक यू सो वेरी मच संगत जी, थैंक यू सो वेरी मच मीता जी। तो मींस ये था कि हर वक्त मींस गुरु जी बहुत ज्यादा सिमरन करवाते थे, बहुत ज्यादा, और मैं इतनी खुश रहती थी तो मुझे कुछ चाहिए भी नहीं होता था। लेकिन मुझे अमृत वेले के टाइम में होता था कि गुरु जी आप कभी 2 बजे सोने भी नहीं देते हो, कभी 3 बजे, अपने आप नींद कैसे खुल जाती है, और मन करता था सोने का। लेकिन जब संगत जी प्रॉब्लम्स आई ना, मतलब मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आनी थी जो गुरु जी ने खत्म करनी थी सिमरन और सेवा करवा के, और गुरु जी ने मुझे बोला था कि उनमें तेनू बाणी दी ताकत दिखाना वा, ये गुरु जी के वर्ड्स थे। जब मैं कनेक्ट हुई थी स्टार्टिंग में, तो गुरु जी ने मुझे कहा था तेनू मैं बाणी दी ताकत दिखाना वा कि बाणी च किन्नी ताकत है। और गुरु जी ने मुझे सेवा सिमरन बख्शा, और डेली उठाते थे अमृत वेला। इवन मैं नहीं उठती थी तो मुझे डांट पड़ती थी बहुत ज्यादा, और मुझे पता है वो दिन। लेकिन जब गुरुजी ने मुझे सब कुछ ब्लेस कर दिया, गुरुजी ने मेरी सारी प्रॉब्लम्स काट दी, सब कर्म, मुझे लगता है कि गुरुजी ने मुझे सीरियसली मेरे लेख जो है बदल दिए। मेरे गुरुजी ने मुझे दिखाया भी कि मेरी लाइफ में कितना कुछ रॉन्ग लिखा था, लेकिन गुरुजी ने कुछ रॉन्ग होने नहीं दिया। तो इन्हीं के भरोसे हूं मैं, और हम सब गुरुजी के भरोसे रहे। बिल्कुल डरना बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी सिचुएशन से नहीं डरना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें गुरु जी का हाथ और गुरु जी के चरण और जोर से थाम लेने हैं, और सिमरन सेवा करना है। और बस अगर आप कहीं बाहर निकलते भी हो, आप चलते फिरते भी गुरु जी को याद कर सकते हो। ऐसा भी नहीं है संगत जी कि आपको फिक्स होके बैठना है, लेकिन हाँ कुछ टाइम गुरु जी के लिए जरूर निकालना होता है, क्योंकि उसमें आपका कनेक्शन बनता है गुरु जी के साथ। आप अपने दिल की हर बात गुरु जी के साथ शेयर कर सकते हो, और ये तो ऐसे परमात्मा है कि सब सुनते भी है और सब सॉल्यूशन भी निकालते हैं, और मतलब गुरुजी की कृपा से ही होता है सब कुछ। और टाइमली गुरुजी आपको हर चीज से वो कर देते हैं। जब आपका कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है तो फिर मुझे लगता है कि गुरुजी आपसे बातें भी नहीं करने देते, और फिर वो तो बस करते चले जाते हैं। जो भी आपके मन के भाव होते हैं वो अपने आप ही पूरे होते चले जाते हैं। उसी से रिलेटेड एक सत्संग और मुझे याद आया। जैसे पहले मुझे ना रात की सेवा मिली थी सुखमनी साहिब जी के पाठ की, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी, और मेरा मन था कि मुझे अब अमृत वेला मिल जाए। तो अपने आप ही सुनील अंकल का मेरे पास कॉल आया, तो गुरुजी सब जानी जान है, तो मुझे अमृत वेला की सेवा मिल गई। तो कभी कुछ कहना नहीं पड़ा गुरुजी से, कुछ मांगना नहीं पड़ता गुरुजी से। हाँ कभी कभी मैं तो उदास हो जाती हूँ जब मुझे लगता है कि गुरुजी ये काम क्यों नहीं हो रहा, ये भी हो जाए। लेकिन फिर गुरुजी आंसर भी देते हैं कि हर टाइम गुरुजी को पता है, गुरुजी को पता है कि कब क्या ब्लेस करना है। तो सब नेगेटिव होते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी जो मिलती है आपको वो सिर्फ सिमरन, शुक्राना, सेवा, सत्संग और इतनी प्यारी प्यारी संगत जी से बात करके जो है आप पॉजिटिव हो जाते हो। बेहद शुक्राने शुक्राने गुरुजी महाराज जी के। और अमृत वेले का मेरे माइंड में था कि कई आंटीज पूछती हैं कि आंटी अमृत वेला, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि गुरुजी सबको बहुत प्यार करते हैं, गुरुजी डिसाइड करते हैं। कई लोगों के कार्मिक अकाउंट बहुत अच्छे हैं, और जरूरी नहीं है कि गुरुजी सबको ही अमृत वेला उठाते हैं, बट अगर आपकी नींद खुलती है तो इट्स अ वेरी वेरी बिग ब्लेसिंग, और मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अगर गुरुजी उठाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस टाइम पर कनेक्शन बहुत जल्दी से जुड़ता है। और अगर गुरुजी आपको उठा रहे हैं तो इट मींस गुरुजी आपको ब्लेस करना चाह रहे हैं, तो आपको जरूर उठना चाहिए। और गुरुजी का नाम तो आप जितनी बार लो उतना कम है, जितना आप सिमरन करो, जितना उन्हें याद करो उतना ही कम है। और बेहद शुक्राने शुक्राने गुरुजी के। और अब एक ऐसा टाइम आया संगत जी कि जब गुरुजी ने मुझे सब ब्लेस किया ना, तो गुरुजी ने मुझे एक ड्रीम दिखाया जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। जय गुरुजी देवेंद्र जी। और ये ड्रीम ये था संगत जी कि मैंने ड्रीम देखा कि पहले मैंने कैटरीना कैफ देखी, और कैटरीना कैफ जब मैंने ड्रीम देखा उसके बाद ही कैटरीना कैफ की शादी भी हो गई, और गुरुजी ने ही ब्लेस किया, मुझे ऐसा फील आया। और गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि कैटरीना कैफ है और बुके लेकर के मेरे से आगे खड़ी हुई है और गुरुजी के पास जा रहे हैं, और गुरुजी ने व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ है, और गुरुजी नंगे पैर हैं, और कैटरीना कैफ कहती है गुरुपा गुरुपा, और बुके रखती है चरणों में, और मैं पीछे से कहती हूँ तो कैटरीना कैफ की आवाज है, तो कैटरीना कैफ है। और इसके बाद मेरा और मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते हैं, हम चरण स्पर्श करने लगते हैं। तो क्या होता है कि मेरे हस्बैंड चरण स्पर्श कर लेते हैं, लेकिन मैं जैसे ही करने लगती हूँ तो मेरे आगे ना कुछ पड़ा होता है, तो मैं वो उठाने लग जाती हूँ, और मेरे हस्बैंड जो है वो माथा टेक लेते हैं, और मैं रह जाती हूँ। और
उसके बाद मैं मतलब फिर मैं मत्था टेकती हूँ गुरु जी को, और मैं दंडवत प्रणाम की पोजीशन जो होती है ना संगत जी, मैं उस पोजीशन में लेट के गुरु जी के चरण पकड़ लेती हूँ, और गुरु जी मेरे सिर पर ऐसे करते हैं प्यार से और कहते हैं छड़, और मैं कहती हूँ मैंने नहीं छड़ना आपको, मैंने नहीं छड़ना, बड़ी मुश्किल से मिले हो, मैंने छोड़ना ही नहीं आपको। और गुरु जी बहुत हंस रहे होते हैं और मेरे सिर पे ऐसे करते हैं प्यार से और कहते हैं ऐसे थोड़ी होता है कि आप छोड़ोगे नहीं। और मैं बहुत ज्यादा रो रही हूँ, और फिर गुरु जी ने मुझे दिखाया कि मैं कहीं मॉल के बाहर साइड पे हूँ और मेरे एज के लड़के लड़कियां सब मॉल की तरफ, वहां पर मूवी हॉल है, वहां से भाग रहे हैं गाड़ियां बाइक गिरा गिरा करके, और मैं इधर फेस करके रो रही हूँ गुरुजी गुरुजी, और गुरुजी इस साइड से मुझे देख रहे हैं कि ये रो रही है। लेकिन मुझे ये बात बाद में समझ में आया ड्रीम का कि गुरुजी चाहते हैं अभी कि मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूं, जितना गुरुजी ने मुझे उस टाइम पर जितना स्ट्रांगली कनेक्ट किया हुआ था ना, तो मीन्स गुरुजी चाहते थे कि अब मैं अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करूं, और जिसे गुरुजी कहते ना जा ऐश कर। लेकिन सच में संगत जी मुझे फील होता है कि वो ऐश ना गुरु जी के चरणों में ही है, गुरु जी के सिमरन सेवा से बढ़कर ना कोई ऐश ही नहीं है। अगर ये नहीं मिलता ना तो ऐसे लगता है कि सब कुछ बेकार है, सब कुछ यूजलेस लगता है। अगर आपने गुरु जी के दर्शन नहीं किए, अगर आपको सत्संग नहीं मिला, अगर आपने सेवा नहीं करी, आपने संगत से बात नहीं की, मीन्स अगर आपने दरबार के दर्शन नहीं किए, अगर आप बड़े मंदिर नहीं गए, अगर आप ढुकली मंदिर नहीं गए, अगर आप अमृत वेला नहीं उठे, तो सब कुछ बेकार लगता है। ऐसे लगता है हम कोई जीवन ही नहीं है, तो बेकार है। लेकिन सिमरन और सेवा करते हुए जीवन को बिताना ना, ये गुरु जी ने सिखाया है। सॉरी संगत जी, ये गुरु जी ने सिखाया है और गुरु जी ने ही ब्लेस किया, और बेहद शुक्राने शुक्राने। लेकिन एक टाइम ये आया कि गुरुजी ने मुझे ये दर्शन दिया, मुझे यही आंसर मिला कि मुझे लाइक फैमिली के साथ भी एंजॉय करना है, वो भी एक पार्ट है, और इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना। गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी, लेकिन गुरुजी ने मुझे लिमिटेड कर दिया कि गुरुजी ने मुझे 2-3 सेवा बख्शी ताकि मैं कनेक्टेड भी रहूं, और गुरुजी को पता है कि मैं रह नहीं सकती, गुरुजी को सब पता होता है। तो गुरुजी ने मुझे यहीं से ही सेवा बख्श दी, दरबार सेवा, और बेहद शुक्राने शुक्राने। और गुरुजी ने ही समझाया कि फैमिली को भी टाइम देना है, सब कुछ करना है, सब कुछ करते हुए चलना है, बेहद शुक्राने शुक्राने। तो ये सब चीजें गुरुजी ने मुझे सिखाई, और गुरुजी ने मुझे बताया कि मेटीरियल चीजों से बिल्कुल अनअटैच्ड होके रहना है, मतलब हमारा अटैचमेंट कभी नहीं होना चाहिए इन सब चीजों से। गुरुजी हमें सब कुछ ब्लेस करते हैं और बहुत कुछ ब्लेस कर रहे हैं सबको, लेकिन गुरुजी ने मुझे यही सिखाया कि मटेरियल चीजों से कभी भी अटैचमेंट नहीं होना, उनसे मोह नहीं रखना बिल्कुल भी, और गुरुजी का शुक्राना करना है। और ये सब भी गुरुजी अपने आप ही करते हैं, गुरुजी के वेज बहुत प्यारे हैं, बेहद शुक्राने। और गुरुजी ने मुझे ये भी सिखाया, गुरुजी जो मेरे अंदर चेंजेस लाए आज गुरुजी ने मुझसे वो भी लिखवाए, जो मैं किया सो मैं पाया, नेवर ब्लेम अदर्स फॉर एनीथिंग। तो ये भी गुरुजी ने मुझे सिखाया कि कभी किसी को ब्लेम नहीं करना। पहले ये होता था संगत जी कि मैं भी ब्लेम करती रहती थी, मुझे लगता था कि अगर इसने मेरे साथ ऐसे नहीं किया होता तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी होती, अगर ऐसे नहीं होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन गुरुजी कहते हैं जो भी प्रॉब्लम्स आई, और वाणी से भी हमें यही सीख मिलती है कि जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो हमने जो भी हमने किया है वो ही हमें भुगतना पड़ता है। शायद हमें ये है क्योंकि गुरुजी कहते हैं तुम्हें पूरी फिल्म तो पता ही नहीं है, हम सिर्फ इस जन्म को देखते हैं। जय गुरुजी पूनम जी, हम सिर्फ अपने इस जन्म को देखते हैं संगत जी, लेकिन हम सच में बहुत जून भुगत के हमें ये मनुष्य जून मिली है, जो सिर्फ और सिर्फ हमें मतलब फैमिली में रहते हुए, चीजों से अनअटैच रहते हुए सिमरन सेवा करने के लिए मिली है, और नाम जपने के लिए मिला है हमें ये जीवन। बहुत मुश्किल से मिला है हमें, और हमें नहीं पता कि हम क्या क्या बने हैं, सिर्फ गुरु जी को पता है, और गुरु जी हम सबको तारने के लिए आए हैं, क्योंकि गुरुजी हमें देख चुके हैं और सब जानते हैं। लेकिन हम सब मांगते हैं यही कि गुरुजी ऐश ऐश ऐश, लेकिन गुरुजी जो ऐश है ना, असली ऐश वो सिमरन और सेवा में ही है। और कभी किसी को ब्लेम नहीं करना। इवन मुझे तो अब ये फील होता है कि अगर कोई हमारे साथ बुरा भी करता है ना, तो उसमें भी हमारा भला ही हो जाता है, उसमें भी हमारा कल्याण ही हो जाता है। जैसे मुझे स्टार्टिंग में लगता था कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जैसे मुझे कहते थे ब्लैक मैजिक हुआ या कुछ, मैं लिक्विड पे आ गई थी, लेकिन बाद में अब मैं शुक्राना करती हूँ कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो
मुझे गुरु जी कैसे मिलते हैं और मैं कैसे जान पाती परमात्मा को कि परमात्मा धरती पर आए हुए हैं और हम सब की ये ड्यूटी है कि हम सबको बताएं, अपने अड़ोस पड़ोस में सबको बताएं, ताकि सबको गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिले। और मुझे लगता है इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर संगत जी आप ये सोचो कि हमारे साथ गुरु जी हैं, हमें गुरु जी के बारे में पता है, तो हम इतने मतलब कॉन्फिडेंट है, हमें पता है गुरु जी बैठे। आप उन लोगों के बारे में सोचो, है तो गुरु जी उनके साथ भी, लेकिन ये जो एक कॉन्फिडेंस है ना कि गुरु जी मैं हूं ना, तो टेंशन कैसी। तो अगर आप और सबको इतनी जरूरत है इस टाइम पर, तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम कोई भी अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, हम और जो बातें करते हैं तो हम गुरु जी की बात करें, ताकि इससे उनका भी कल्याण होगा सुनने से भी, और हमारा भी, और उनको पता भी चलेगा कि परमात्मा आए हुए हैं। और मुझे पता है कि एक टाइम तो ऐसा आ ही जाएगा, और अब तो आ ही गया है, अब तो गुरु जी हर जगह छा गए हैं हमारे, और छाएंगे भी, क्योंकि परमात्मा है और हर घर में गुरु जी होंगे। जय गुरु जी, योग्यता जी, स्वास स्वास शुक्राना। हां जी, तो हर घर में गुरु जी होंगे हमारे प्यारे प्यारे, क्योंकि यही परमात्मा है, यही शिव है, और सब कुछ शिवमय है, और कण कण में शिव है, ब्रह्मा जी में भी शिव है, विष्णु जी में भी शिव है, और सब शिवमय ही है। और ये सब आप शिव पुराण में जान सकते हो कि सब कुछ शिव जी जी है, और हमारे गुरु जी तो वहां शिव है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं मैं तो व्याह भी नहीं कराया। और ये क्वेश्चन मैंने कई बार शेयर भी किया सत्संग में, आज फिर कहना चाहूंगी कि मैंने जब गुरु जी से क्वेश्चन किया था कि गुरु जी शिव जी और महाशिव जी में क्या डिफरेंस है, तो मेरे को यही टेलीपैथी से आंसर मिला था कि जो शिव जी जी है वो हर लोक में है, लेकिन महाशिव जो है वो एक है, वो एक परमात्मा है, जो जिनसे ऊपर कुछ नहीं, तो इससे ऊपर कुछ नहीं, तो हम डरे कि किस बात का डरे। जैसे बाणी में एक लाइन है ना, इससे ऊपर कुछ नहीं कौन डरे, डर किसका होए। मुझे आती नहीं है, सॉरी गुरुजी, बट मुझे समझ में आ जाता है थोड़ा थोड़ा। शुक्राने गुरुजी महाराज जी की, थोड़ा थोड़ा जितना जरूरी है गुरुजी उतना समझा देते हैं, उतना समझ में आ जाता है, और बाकी मुझे नहीं आती इतनी समझ में, बट सच में। और गुरुजी हमें कहते हैं कि बाणी हमें जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि हमारी सोल को सब समझ में आ रहा होता है। इसीलिए जब हम बाणी सुनते हैं तो हमारे आंसू निकल रहे होते हैं, क्योंकि आत्मा सब सुन रही है, आत्मा को सब समझ में आ रहा है, वो परमात्मा को देख भी रही है, महसूस भी कर रही है, सब कुछ हो रहा है। तो हमें वाणी से भी जरूर कनेक्टेड रहना चाहिए, और ये भी गुरु जी ने आज मुझसे लिखवाया कि इसमें आपके सब आंसर्स होते हैं, तो आपको वाणी से कनेक्ट होना चाहिए जरूर, क्योंकि आपकी सोल को सब समझ में आ रहा होता है, और वाणी में बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स है। और मुझे तो ये गुरु जी की कृपा है कि मैं स्टार्टिंग से ही, मुझे ये लगता था जब मैं गुरुद्वारे जाती थी, तो जो भी फर्स्ट शब्द मेरे कानों में पड़ता था ना, तो मैं समझती थी कि गुरु नानक देव जी आज मुझसे क्या कह रहे हैं, आज क्या कह रहे हैं ये। और मैं बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जब मैं जय गुरु जी, और मींस ये है, मुझे भुला दिया आपने संगत जी में पढ़ते पढ़ते, सॉरी। तो मींस हमें वाणी से कनेक्टेड होना है, और हमेशा हमें गुरु जी के चरणों से कनेक्टेड रहना है, और सिमरन और सेवा करते रहना है। और इसी से रिलेटेड एक सत्संग मुझे याद आया कि जो गुरु जी ड्रीम में आए थे, और सॉरी ड्रीम में नहीं, ये मेरा पहले का सत्संग है, जब मुझे स्वरूप इकट्ठे करना बहुत पसंद था, और मैं गुरु जी के स्वरूप हर जगह लगा देती थी, तो गुरु जी ने आकर के मींस ड्रीम में मुझे दर्शन दिए थे। डे टाइम में मुझे नींद नहीं आती थी, और उस दिन मुझे दिन में ही नींद आ गई, और मैंने देखा कि मैं एक सत्संग में हूं, और मींस मैं एक अंकल से बोल रही हूँ कि अंकल मुझे भी ये पाउच चाहिए जिसपे गुरु जी का स्वरूप था, क्योंकि मुझे लगता था कि गुरु जी का, जैसे हमें होता है ना कि गुरु जी के जितने स्वरूपों हमें ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, लेकिन गुरु जी ने इसका भी आंसर दिया मुझे कि ऐसा नहीं है कि अगर हम स्वरूप इकट्ठे करते रहे या हम ब्लेसिंग्स इन्हीं को ही समझे तो ये गलत है, और सेवा और सिमरन से बढ़कर कोई ब्लेसिंग नहीं है। और मैं उन अंकल से मांग रही होती हूँ पाउच, कि अंकल मुझे भी ये पाउच चाहिए, और वो अंकल जो है मना कर देते हैं मुझे कि ये आपको नहीं मिलेगा। और इतने में गुरु जी आते हैं, और वो ऐसे पीछे करते हैं मेरे की गल होगी आंटी, क्यों लड़ती पई है तू। तो मैं कहती हूँ गुरु जी देखना, इन
अंकल ने ना मुझसे पैसे भी ले लिए और मुझे ये पाउच चाहिए क्योंकि इस पे ना गुरुजी आपका स्वरूप है तो मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे बोला कि एक गल सुन आंटी, सेवा ते सिमरन एयो तुहाडे नाल जाना है, बाकी सब कुछ एथे दा एथे ही रह जाना है। तो ये गुरुजी के वर्ड्स थे जो गुरुजी ने मुझे आंसर दिया कि प्रैक्टिकली, और गुरुजी हमें प्रैक्टिकली सब कुछ सिखाते हैं, कराते हैं, और गुरुजी के साथ सबको सबका डायरेक्ट कनेक्शन है। मतलब आपको किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं होती, आप जब जब भटकते हो फिसलते हो गुरुजी आपको थाम लेते हैं, जैसे सब गुरुजी की कृपा से होता है। तो गुरुजी ने इतना प्यारा आंसर दिया और फिर मैं गुरुजी को कहती हूँ कि जय गुरुजी शीतल जी, थैंक यू सो वेरी मच मीता जी, थैंक यू सो वेरी मच, ये सब गुरुजी की कृपा से है। अगर आप प्योर होते हो ना तो वो भी वाणी की ताकत है, वो गुरुजी के नाम की ताकत है, वो गुरुजी की नजर की ताकत है, वो गुरुजी की कृपा होती है कि वो आपको पत्थर से पारस बना लेते हैं। तो ये सब गुरुजी की कृपा है और सब बहुत ब्लेस्ड है। और मुझे सीरियसली ये होता है कि जब कोई संगत कहती है ना कि आप बहुत ब्लेस्ड हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब नाम की ताकत है, सब बहुत ब्लेस्ड है। अगर हम गुरुजी के चरणों तक पहुंच गए ना तो हमें भी चलना है, और सब चल रहे हैं तो, और सब प्योर ही होंगे, सबके मन की मैली तो उतरनी है वाणी से, सबके जो है कर्म गुरुजी कटवाते हैं, सब कुछ गुरुजी की कृपा से होते हैं। तो सब बहुत ब्यूटीफुल है, सब बहुत प्यारे है, और सब बहुत बहुत सब गुरुजी की कृपा है, और गुरुजी सब पे मेहर करे, सबके साथ गुरुजी का डायरेक्ट कनेक्शन हो, ये मेरी अरदास है। गुरुजी सबको बहुत बहुत ब्लेस करे, सबको इस जन्म के भी सुख दे गुरुजी, और आगे भी सबका साथ दे, सब गुरुजी की कृपा। और मुझे याद आ गया, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं तो मोह से गरीब करोड़ पड़े। और ये मेरा फेवरेट शब्द है, वन ऑफ माय फेवरेट शब्द, कि इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, और ये गुरुजी की कृपा से ही सजे हैं, क्योंकि मेरी हालत उस टाइम पर ऐसी थी। संगत जी, अभी मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहूंगी कि कई नेगेटिव मैसेजेस भी आते हैं, क्योंकि जो लोग नहीं जान पाते ना गुरुजी के, लेकिन पहले मैं माइंड करती थी कि यार ऐसा भी होता है कि ऐसे भी मैसेजेस आते हैं, बट सीरियसली अब फर्क भी नहीं पड़ता कि कोई कुछ भी लिखता भी है, क्योंकि हम सच बोल रहे हैं। अगर आप सच बोल रहे हो तो आपको डर नहीं लगता, आप आराम से सच को बोल पाते हो। जो आप जानते हो अगर आप वो सबके साथ शेयर करते हो तो आपको डर नहीं लगता। अगर मैं सत्संग सुनाती हूँ, मुझे कई लोग कहते हैं कि आप ये भी बात बोल देते हो, तो गुरुजी बुलवाने वाले हैं, तो मैं बिल्कुल सच, गुरुजी को पता है कि जो भी मेरे माइंड में आता है, जो भी गुरुजी लिखवाते हैं। और मेरा मेन मोटिव यही होता है कि आप सब गुरुजी के साथ कनेक्टेड हो, सब, क्योंकि गुरुजी सबको बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जो अभी नेगेटिव है तो वो भी गुरुजी अभी नहीं चाहते उनको ना, अभी उनका टाइम नहीं है, तो उनके लिए भी पहले ये होता था कि ऐसा क्यों, बट अब उनपे भी सिंपथी आती है कि अभी उनका टाइम नहीं है, राइट टाइम, क्योंकि गुरुजी परमात्मा है, जब उनका टाइम आएगा तो वो भी कनेक्टेड होंगे। और गुरुजी सबको बहुत प्यार करते हैं, जब हमारे परमात्मा इतना कुछ सुनते हैं सहते हैं तो हम सुन लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो बेहद शुक्राने शुक्राने। और बिल्कुल एक अंकल का भी मैसेज था कि ना मेकअप के ऊपर, तो बिल्कुल मेकअप तो गुरुजी ने ही सिखाया है। गुरुजी कहते हैं कि हमेशा सच सवर के रहो और हमेशा खुश रहो, और इवन मेकअप करते हुए भी गुरुजी को याद करो, क्योंकि एक्चुअल में तो असली साथी तो यही है, जन्मों जन्मों के साथी यही है। तो गुरुजी हमेशा हमें यही सिखाते हैं, और मेकअप करने से आप में पॉजिटिविटी आती है, इसमें कुछ गलत नहीं है, और सबको मेकअप करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। नकली मेकअप मीन्स से अच्छा है कि आप ऐसे मेकअप करो और हमेशा खुश रहो। और ये सब भी गुरुजी हमारे सिखाते हैं कि हमेशा हर पल को एंजॉय करो, हर चीज को पॉजिटिवली लो। तो बेहद शुक्राने शुक्राने गुरुजी महाराज जी के। और गुरुजी आपको हर चीज ब्लेस करते हैं, गुरुजी आपको हेल्थ देते हैं, गुरुजी आपको वेल्थ देते हैं, गुरुजी आपको ब्लेस करते ही चले जाते हैं, बट गुरुजी के हुक्म से। और गुरुजी आपके टेस्ट भी बहुत सारे लेते हैं, बहुत सारे टेस्ट लेते हैं संगत जी। और मैं सीरियसली आपको बताऊं कि मैं कई बार फेल होती हूँ और कई बार पास हो जाती हूँ, बट ज्यादातर मैं फेल हो जाती हूँ। लेकिन जब मैं फेल हो जाती हूँ तो मैं उसे एज अ लेसन लेती हूँ कि हाँ ये मुझसे गलती हुई, बट अगर कभी गुरुजी मुझे आगे टेस्ट करे तो मैं पास हो जाऊं। उससे रिलेटेड एक सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ कि गुरुजी कहते हैं सेवा और सिमरन ही, और गुरुजी आपको ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देती है सेवा की और सत्संग की ना। और सेवा आप कुछ भी कर सकते हो। कई बार संगत मुझे पूछते हैं, कोई आंटी मेरे से पूछ लेते हैं कि
बड़े मंदिर जा रहे हैं तो कहीं डिपॉजिट करें या कुछ। तो मेरे मन में हमेशा ये भाव आते हैं, जो मैं पर्सनली, मेरे पर्सनल भाव है कि अगर आप किसी निडी पर्सन की हेल्प कर देते हो, अगर आप कर सकते हो तो आपको करनी चाहिए। और गुरु जी की मेहर के बिना वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु जी ने आपको दिया है तभी आप कर सकते हो, अगर उस लायक बनाया है तभी आप कर सकते हो। लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा मतलब सेल्फिश हैं, लेकिन गुरु जी हमें सुधारते हैं और सीख बख्शते हैं और हमें सोची बख्शते हैं कि ऐसा हमें नहीं करना है। उसी से रिलेटेड मैं अपनी गलती भी एक्सेप्ट करती हूँ, बट और आगे के लिए सीख भी ली मैंने। ऐसा मेरे साथ हुआ क्रिसमस वाले दिन, जब मैं, हमने ना बहुत सारी शॉपिंग करी क्रिसमस डे पे मीन्स, और खाने पीने का बहुत सारा सामान लिया। इतने में क्या हुआ संगत जी कि एक बैलून वाला भैया था, उनके पास ना 3 बैलून्स थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि ना मैंने ना सुबह से खाना भी नहीं खाया है मैडम, आप ना ये बैलून्स ले लो और मैं आटा ले लूंगा। तो मींस ये हुआ कि मैंने उनको ना इतने दे दिए संगत जी, 3 बलून्स के जो भी थे, मैंने कहा हाँ दे दो आप। मुझे ये हुआ और मेरे मन में ये भी भाव आए कि गुरु जी हम अपने लिए मांगते रहते हैं और इन लोगों को ब्लेसिंग्स की कितनी जरूरत है कि जिनके घर में आटे के लिए भी प्रॉब्लम है और हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स काउंट करते रहते हैं और गुरु जी से नाराज भी होते हैं। जी बिल्कुल मीता आंटी, थैंक यू सो वेरी मच। तो मेरे मन में ये भाव आए, मैंने 3 बैलून तो ले लिए, लेकिन मेरे फिर मन में आया कि गुरु जी जब हमें इतना देते हैं तो जब मैंने उसको, जो मेरे हाथ में नोट आया तो मैंने उसको पूरा ही क्यों नहीं दे दिया। मतलब मेरे मन में ये आया कि गुरु जी हमें इतना बख्शते हैं लेकिन हम फिर भी ना, मतलब हमें देना चाहिए। मुझे लगा मैंने 3 बैलून्स तो ले लिए, शुक्राना गुरु जी ने इतना तो समझ बख्शी, बट मुझे ये फील हुआ कि काश मैं ज्यादा हेल्प कर पाती और मैं कर सकती थी तो मैंने क्यों नहीं की। और उसने इतनी बड़ी बात बोली और मेरे मन में भाव यही आए और मेरे मन में पूरी रात ये चलता रहा कि गुरु जी आप प्लीज उसको बहुत ब्लेस करना, मतलब इन लोगों को ब्लेसिंग्स की कितनी जरूरत है, आप इन सबको बहुत ब्लेस करना। जय गुरु जी निर्मला जी। तो हम लोग, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। गुरु जी ने हम सबको बहुत कुछ दिया है, हमारी लाइफ बहुतों से बहुत 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 बेहतर है। कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे जैसी लाइफ जीने के लिए बेचैन है, उनको नहीं मिल पा रहा इतना सब कुछ भी। तो अगर गुरु जी ने, परमात्मा ने हमें इतना कुछ दिया है तो अगर हम उनकी हेल्प कर सकते हैं तो हमें जरूर करनी चाहिए। और गुरु जी ये सब सिखाते हैं संगत जी, और इक्वली रहना गुरु जी सिखाते हैं हमें कि तुम सब बराबर हो। जय गुरु जी सीमा जी। और ये भाव सब गुरु जी देते हैं। जब हम गाड़ी में जा रहे होते हैं, कोई मांग रहा होता है तो कई लोग कमेंट पास करते हैं कि ये भी तो कर सकता है, वो भी कर सकता है, बट मेरे मन में ये भाव ये आते हैं कि ये कर्माज है। अगर कोई कुछ कर रहा है, अगर कोई गाड़ी के अंदर बैठा है तो उसके कर्माज है, उसने कर्म है उनके। तो हमें कमेंट पास करने की बजाय अगर हम हेल्प कर सकते हैं तो हम करें, और हम प्रार्थना कर सकते हैं कि गुरु जी आप इन्हें भी कृपा करो, सोची बख्शो। और गुरु जी बहुत प्यारे हैं संगत जी, सबका बहुत ध्यान रखते हैं। मैं आपको एक और सत्संग, इससे रिलेटेड मुझे याद आ गया कि एक बार मैं एक सत्संग में गई थी और मैंने जल प्रसाद लिया, और मैं जैसे रोड पर बेगर होती है मींस, एक अंकल थे और उनके पैर, एक पैर उनका खराब था और मैं उनको पैसे दे रही थी लेकिन उन्होंने पैसे नहीं लिए संगत जी, उन्होंने पैसे नहीं लिए। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ये बॉटल दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो मैंने उनको बोला कि आप दोनों ले लो, पैसे भी ले लो और ये भी ले लो, और देखो ऐसे ऐसे भी मतलब आपको मिलते हैं, गुरु जी मिलवाते हैं, बेहद शुक्राने शुक्राने गुरु जी महाराज जी के। तो मैंने उनको वो बॉटल भी दे दी और मेरे मन में यही भाव आया कि ये जो जल प्रसाद मैं लाई, ये गुरु जी ने ही मेरे लिए, उनके लिए ही रखवाया, और गुरु जी का ये तरीका था उन अंकल को ब्लेस करने का। तो गुरु जी अपनी संगत के थ्रू भी कितनों का कल्याण करते हैं, मतलब गुरु जी इतने प्यारे हैं, बेहद शुक्राने शुक्राने गुरु जी। हम समझ नहीं पाते, सो सॉरी गुरु जी कि, सीरियसली हम समझ नहीं पाते कि आप हमें कितना ब्लेस करते हो, हर पल ब्लेस करते रहते हो और हम नहीं समझ पाते हैं। वो कहते हैं ना, तेरा किया जातो नाही, मतलब हम जान भी नहीं सकते कि वो हमें इतना प्यार करते हैं सबको और इतना ब्लेस करते हैं। और बेहद शुक्राने शुक्राने उन अंकल को जब उन्होंने जल प्रसाद मांगा और गुरु जी किस वे में किसको कैसे ब्लेस करते हैं, बेहद शुक्राने शुक्राने गुरु जी। जय गुरु जी। और मुझे स्पेशली गुरु जी ने यही सिखाया कि हमेशा खुश रहो, लाइफ का हर मोमेंट एंजॉय करो,
लेकिन चीजों से अनअटैच रहो। अगर चीजें हैं तो उनको मिलकर शेयर करो, हेल्प करो और अपनी ड्यूटीज को अच्छे से निभाओ और गुरुजी से कनेक्टेड रहो और गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ हमेशा। ऐसा नहीं है कि कोई भी ना, कई जगह ऐसा होता है संगत जी कि मैंने ये भी देखा है कि कई सत्संग में मैं गई हूं, ऐसे मुझे नहीं पता, गुरुजी नोज, कुछ कमेंट नहीं पास करना चाहिए, वो आपको बताते हैं कि गुरुजी ऐसा कह रहे हैं, गुरुजी वैसे कह रहे हैं, बट मुझे लगता है कि आपको गुरुजी ने जो बताना है ना, जो भी आपके क्वेश्चंस है, आप गुरुजी के स्वरूप के आगे बोलो, गुरुजी से अरदास करो। गुरुजी सबकी बातें सुनते हैं, सबकी अरदास सुनते हैं और सबको आंसर करते हैं। तो हमेशा डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है किसी को भी, किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है, किसी अंकल आंटी की जरूरत नहीं है। इवन मुझे ये होता है कि किसी ग्रुप से आपको वो होने की जरूरत नहीं है। आपको सत्संग में आपके आंसर्स मिल रहे होते हैं, आपको गुरु जी से आपका प्यार बढ़ना चाहिए, आपकी प्रीति गुरु जी से बढ़नी चाहिए, आपका डिवोशन गुरु जी की तरफ और होना चाहिए और आपको गुरु जी से कनेक्टेड रहना है। और सब बहुत प्यारे हैं, सब में ही गुरु जी हैं, क्योंकि जय गुरु जी, जय गुरु जी, वीरन शुक्राना आंटी, जय गुरु जी। तो सब में ही गुरु जी है। हाँ, सबको मान बख्शना है, सबको रिस्पेक्ट करना है, सबको प्यार देना है, सबको सबसे मिलना है, सब कुछ, लेकिन दिल में जो है ना परमात्मा को ही बिठाना है इन, और किसी चीज के पीछे नहीं भागना है कि ये नहीं कि ये आंटी बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है, ये अंकल बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है, नहीं, ये नाम की ताकत है, ये गुरुजी की नजर की ताकत है। आप भी गुरुजी से कनेक्शन बनाओ, गुरुजी आपको भी गले लगाने के लिए बैठे हैं, वो आपको भी बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी के लिए सब बराबर है, सब इक्वल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बेहद शुक्राने शुक्राने, जय गुरुजी। सुशीला जी, और गुरुजी ने मुझे यही सिखाया है और गुरुजी मुझे यही सिखा रहे हैं और मैं यही कोशिश कर रही हूं कि अच्छे बनो, अच्छे करो, क्योंकि नाम सेवा और इन सबसे बढ़कर, मैं आपको सच बात बताऊं संगत जी, गुरुजी के लिए ना, गुरुजी के लिए गुरुजी बहुत प्यारे हैं। अगर आपको, अगर आप फैमिली में प्यार से रहते हो, अगर आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो, अगर आप हर किसी को एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई परफेक्ट है, सब में ही कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, सब में है, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो सबको एक्सेप्ट करना, कोई कैसा भी है उससे प्यार करना, जैसे सतगुरु सपना दा पला मनाईंदा है ना, कि गुरुजी जैसे ना गुण, और वो भी गुरुजी की कृपा से होता है कि गुरुजी कृपा करे ना, तभी आप ऐसे बन पाते हो और ऐसे चल पाते हो, कि सबको एक्सेप्ट करो। और गुरुजी तो हमें ये बोलते हैं ना कि हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, और गुरुजी तो हमें ये सिखाते हैं कि हम नहीं चंगे मींस अगर आपके साथ कोई गलत है, कोई बुरा है, तो इट मींस आपने कहीं ना कहीं उसके साथ गलत किया है। अगर इस जन्म में नहीं तो किसी ना किसी जन्म में आपने उसके साथ गलत किया है, तभी आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो ये गुरुजी ने हमेशा सिखाया कि हम सबको माफ करें, सबको एक्सेप्ट करें, सबके साथ मिलके रहें और अपना कनेक्शन गुरुजी के साथ हमेशा बनाए रखें, हमेशा। जय गुरुजी सुमन जी, जय गुरुजी पूनम जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, सभी को जय जय गुरुजी। और बिल्कुल भी डरना नहीं है, आज का मेरा मेन जो संगत जी मेरे मन में भाव थे ना, कि सिचुएशन को लेकर के बिल्कुल डरना नहीं है। इवन आप बता सकते हो, और हम सबको यही करना है कि हम बता सके सबको, और अवॉइड करना है कि अननेसेसरी हम बाहर नहीं जाए, लेकिन अगर जरूरत है तो हमें जाना है तो हम सिमरन करते रहे मन में और गुरुजी से बोल के जाएं कि गुरुजी आप हमारे साथ रहना, और गुरुजी सबके साथ हैं, सबके अंग संग हैं। हम गुरुजी से यही अरदास करें कि गुरुजी सबके साथ रहें और ये टाइम जल्दी से बीत जाए अगर आया भी है तो, और हम गुरुजी को सिमरन सेवा गुरुजी हमें बख्शे और हम और ज्यादा कनेक्टेड हो गुरुजी के साथ और हमारा ज्यादा प्यार बने। और सबसे बड़ी बात यह है कि संगत जी हम फैमिली में, गुरुजी ये नहीं चाहते कि हम सत्संग में रहे, सेवा में रहे और हम फैमिली में किसी से नाराज हो या गुस्सा हो या कुछ, गुरुजी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। और गुरुजी चाहते कि आप फैमिली में सबको एक्सेप्ट करो जो भी प्रॉब्लम्स हैं। और ये भी गुरुजी, जब आपके कर्म कट जाते हैं संगत जी, मैं आपको सच बात बताऊं, जो आपके, जो आपको लगता भी है ना कि ये आपके लिए ठीक नहीं है, वो भी आपको मिलवा देते हैं। ऐसे बहुत सारे सत्संग है जो मैं शेयर भी नहीं करना
कर सकती गुरु जी नोज, क्योंकि बहुत पर्सनल है। और लेकिन गुरु जी उनको भी आपको सपने में गले मिलवा देते हैं। और मैंने कई बार ऐसा देखा कि जिन लोगों से मुझे प्रॉब्लम होती है और मेरा मन करता है कि मैं उनसे दूर रहूं, और फिर मुझे कई बार ऐसा होता है कि जाना भी होता है और गुरु जी हम संग होते हैं, लेकिन गुरु जी मेरे डाउट्स ना ड्रीम में आकर के ही क्लियर कर देते हैं कि मैं हैगा, और मुझे उन सोल से गले मिलवा देते हैं कि अब ये तेरा नहीं है ऐसा दुश्मन जैसा ना। तो गुरु जी आपके दुश्मनों को भी मीन्स मित्र बना देती है। और फिर जब आप गुरु जी से कनेक्टेड हो जाते हो ना संगत जी, आपको कोई दुश्मन लगता ही नहीं है, आपको सब में ही गुरु जी नजर आते हैं। आपको ऐसा लगता है कि गुरु जी, ये गुरु जी की कृपा है कि वो आपके मन को बदल देते हैं, आपकी बुद्धि को बदल देते हैं। वो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि वो जितने प्यारे हैं ना, मतलब वो अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, बट हम ऐसे बुद्धू हैं, नलायक हैं कि हम पल पल भटकते हैं, फिर से हम कीचड़ में गिरते हैं और गुरु जी फिर से बाहर निकालते हैं। गुरु जी हमें फिर से समझाते हैं। ये इतने प्यारे परमात्मा, इतने प्यारे पेरेंट हैं, इनसे प्यारा कोई साथी नहीं है, इनसे प्यारा कोई पेरेंट नहीं हो सकता, माँ बाप नहीं हो सकते। और गुरु जी हमसे यही चाहते हैं कि सिमरन और सेवा से बढ़कर भी संगत जी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपनी फैमिली के साथ प्यार से रहें और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं, और फिर हम गुरु जी ना, गुरु जी तभी आपको एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज गुरु जी आपको एक्सेप्ट ही नहीं करते। और ये सब चीजें मैंने गुरु जी से ही सीखी है, बट गुरु जी आपके भाव भी जानते हैं और मैं अपनी गलतियां भी एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा करती थी संगत जी। जब मैं गुरु जी से स्टार्टिंग में कनेक्टेड थी तो मैं दिल्ली भाग जाती थी नोएडा से, जिसमें मेरा कैब का खर्चा भी होता था, और डेली मेरा मन करता था मुझे सत्संग मिले, मैं गुरु जी के पास जाऊं, बट मेरे भाव होते थे कि मैं घर के काम फटाफट से करके, और मुझे होता था, लेकिन मैं परेशान भी बहुत होती थी और गुरु जी को पता है। लेकिन ये चीजें मैंने धीरे धीरे जानी और गुरु जी ने जैसे मुझे सोची बख्शी कि गुरु जी हर जगह है और उनको कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, और धीरे धीरे तो आपको मिलेंगे आपके अंदर ही, वो सबके अंदर ही बैठे हैं, परमात्मा सबके अंदर बैठे हैं, तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, किसी इस चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं है कि आपको लंगर प्रसाद ऐसा बनाना है। गुरु जी की नजर ही बहुत है और गुरु जी की नजर से ही इतना कल्याण हो जाता है, गुरु जी के दर्शन से ही, दर्शन पर से है गुरु के जन्म मरण मिट जाए, तो गुरु जी के दर्शन से ही आपके जन्म मरण मिट जाते हैं, तो फिर मतलब आपको उसमें नहीं पढ़ना है। तो अभी, और अभी तो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको यही करना है कि आप घर पे बैठ के गुरु जी को याद करें और गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं, और इवन आप सिंपल तरीके से सत्संग करें अपना, कोई ऐसा नहीं है, गुरु जी के चरणों में अगर आप एक फूल भी अर्पित करते हैं, और इवन मैं तो एक भी नहीं कर पाती क्योंकि गुरु जी मुझे भाव देते हैं कि ये फिर डिस्ट्रॉय मतलब नहीं होते, और स्टार्टिंग में करती थी, लेकिन धीरे धीरे गुरु जी इज ओमनी प्रेजेंट, वो हर जगह है, तो आपको बस गुरु जी को याद करने। और आप देखो जो सिखिज्म है, जो सिखों का है, उनमें तो जोत भी नहीं होती, तो और कबीर जी भी नाम को ही जोत बोलते हैं, और हम इन परमात्मा की क्या आरती उतारेंगे, हम एक जोत लेकर के बैठ जाते हैं संगत जी, तो हम इन परमात्मा की क्या आरती उतारेंगे जो खुद ही इतने करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा रोशनी जिनकी है, हम उनको क्या, हम उनकी आरती उतारेंगे और क्या वो करेंगे। तो ये सब बस इनकी दया है, इनकी कृपा है कि गुरु जी आए हैं, ऐसे परमात्मा हमें मिले हैं, और डर लगता है इनके चरणों से दूर होने से बहुत ज्यादा, और वो भी हमारी अपनी कमियों की वजह से, कि हमारे अंदर इतने सारे अवगुण हैं, हमारे आसपास इतनी ज्यादा नेगेटिविटी होती है, तो लेकिन गुरु जी ही हमें बचाते हैं और बचा सकते हैं, वो हमें फिर से थाम लेते हैं, फिर से पाँव पकड़ लेते हैं, और बेहद शुक्राने गुरु जी महाराज जी के। और एक और सत्संग मुझे याद आया कि मैं शेयर करना चाहूंगी कि स्वरूप से रिलेटेड, कि अभी जैसे दिवाली का था, और दिवाली पर ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी के घर जो है कुछ मीन्स बच्चों की शरारत कह लो, या कुछ संकट था, शरारत भी नहीं सही वर्ड होगा संगत जी, कि कोई संकट था, और मतलब मम्मी के घर पे मीन्स आग लगी, लेकिन गुरु जी का स्वरूप जो है वो जल गया था, और वो भी देखो संगत जी, गुरु जी इतने प्यारे है ना कि उसका ना मीन्स जो फ्रेम है वो जला, स्वरूप भी नहीं जलने दिया गुरु जी ने, वो जल गया, और किसी को कुछ नहीं हुआ, और पता चल गया कि नीचे ऐसे आग लग गई है,
और सब थर्ड फ्लोर पर बैठे थे और आग जो है वो सेकंड फ्लोर पर लगी थी, जय गुरु जी जितेंद्र जी, जय गुरु जी अलका जी। और फिर पता चला, लेकिन गुरु जी इतने प्यारे हैं संगत जी, वो आपको कहाँ 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 प्रोटेक्ट करते ना, तो कुछ नहीं होने दिया गुरु जी ने और फ्रेम जल गया। और अभी ना सत्संग स्टार्ट होने से पहले ही मतलब मेरी बात हुई मम्मी से, और मैंने ना वो स्वरूप देखा। मैं मम्मी को बोलती थी कि मम्मी ये स्वरूप बिल्कुल ठीक है, आप इसका ना फ्रेम चेंज करा लो। और अभी मैंने दर्शन किए और अभी रिसेंटली मैं एक नया स्वरूप ले गई थी और वो ना पैक था, मुझे नहीं पता था उसमें कौन सा स्वरूप है गुरु जी का। और मेरी मम्मी इतनी ज्यादा एक्साइटेड कि मुझे मेरे को मिलना तक भूल गई मेरी मम्मी, कि सबको गुरु जी से इतना ज्यादा प्यार है और सब गुरु जी के इतने दीवाने हैं, जय गुरु जी डिम्पे जी, जय गुरु जी सोनिया जी, कि मेरा हाल चाल पूछने से पहले मेरी मम्मी इतनी खुश हो गई कि इतने स्वरूप लेकर आई है। और मेरी मम्मी स्वरूप ओपन करने लगी, मैंने कहा मुझसे मिल तो लो। और मेरी मम्मी कहती मेरे को बड़ा है कि कौन सा स्वरूप आया है, तो गुरु जी ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप था और वो मैंने अभी दर्शन किए कि फ्रेम हो गया आज। तो यू नेवर नो ना गुरु जी आपको, आपकी फैमिली को, आपको सबको कितना ब्लेस करते हैं ना। तो बेहद शुक्राने ही शुक्राने गुरु जी महाराज जी के, और गुरु जी के चरणों में यही अरदास है कि गुरु जी आप सबको बहुत ब्लेस करो, सबका कल्याण हो, सबको इस जो भी टाइम है हर टाइम साथ देना गुरु जी, हमेशा अंग संग रहना, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी को कोई दुख ना आए गुरु जी, सब खुश रहे, हंसते खेलते रहे, ये टाइम में भी सबका आपके साथ पर्सनल डायरेक्ट कनेक्शन बने और सबको आप तारो, सब पे कृपा करो, यही अरदास है गुरु जी के चरणों में। और शुक्राने बहुत बहुत सारे हैं, हर पल शुक्राना है गुरु जी का, क्योंकि हर पल गुरु जी अपनी प्रेजेंस फील करवा देते हैं कि मैं हैगा और सब कुछ मेरे हुक्म विच हैगा। आप यही सोचो संगत जी कि ये सूरज तारे ये सब गुरु जी ने बनाया है, सब कुछ गुरु जी का रचा हुआ है, ये सृष्टि गुरु जी ने बनाई है, जय गुरु जी पूजा जी, ये सारी सृष्टि और कैसे बनाई है गुरु जी ने। और आप ये देखो कि एक ह्यूमन बॉडी कैसे गुरु जी ने बनाई, और हम सब में एक ही जो होता है, आप चींटी को देखो कितनी छोटी है फिर भी चल रही है, आप हाथी को देखो कितना बड़ा है और चल रहा है, मीन्स ये कौन सी शक्ति है, तो ये गुरु जी की शक्ति से ही तो चल रहा है सब कुछ, गुरु जी के हुक्म से होता है। और मुझे पहले बहुत सब बोलते थे कि आप बीमार हो जाओगे, आप अमृत वेला करोगे, ये करोगे दिन में ये रात में ऐसे वो, लेकिन मुझे पता है कि गुरु जी के नाम में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि गुरु जी के नाम में बहुत ताकत है। ये जो ऋषि मुनि आपने देखे ना संगत जी, कि कितने कितने वर्षों तक जीवित रहते थे और क्या क्या खा करके भी जीवित रहते थे, मतलब पत्ते वगैरह सब कुछ ना, तो वो किन की पावर थी, तो परमात्मा की शक्ति, हम सब परमात्मा की शक्ति से चल रहे हैं और परमात्मा के हुक्म से हमारी सांसें चल रही है, एक एक सांस हमें परमात्मा दे रहा है तो हम ले रहे हैं, अदरवाइज हमें तो ये भी नहीं पता कि देना कैसे और लेना कैसे है, तो ये सब उनकी कृपा से है। तो हमें हर पल क्यों नहीं शुक्राना करना चाहिए गुरु जी का, कि उन्होंने हमें हर सुख बख्शा है, उन्होंने हमें सब कुछ दिया है, और सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है कि हम हमेशा हमेशा गुरु जी की रजा में राजी रहें और गुरु जी ऐसी कृपा करें। आप ये देखो गुरु अर्जुन देव जी को देखो, जब मैं सुनती हूँ वाणी संगत जी कि कैसे वो तत्ती तवे पे बैठे थे और कह रहे थे तेरा किया मीठा लागे, मतलब वो क्या शक्ति, मुझे नहीं समझ में आता कि परमात्मा आपको इतना सॉलिड बना देते हैं कि वो उस तवे पर बैठ कर भी बोल रहे हैं तेरा किया मीठा लागे, मतलब इतना प्यार है उनका परमात्मा के साथ। माय गॉड, मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि हमारा प्यार तो कुछ भी नहीं है, हम तो पल पल डोलते रहते हैं, हमें तो लगता है गुरु जी ये नहीं किया क्यों नहीं किया, और हो जाती है उदास कि गुरु जी ये आपको करना चाहिए था, लेकिन हमसे ज्यादा ना मतलब गुरु जी से सियाना कोई नहीं है, गुरु जी से समझदार कोई नहीं है, गुरु जी से प्यारा कोई नहीं है, और गुरु जी के हुक्म में रहना, और गुरु जी सबसे बड़ी बात है जो भी हो रहा है वो हमारे भले के लिए हो रहा है, जो कुछ भी गुरु जी इसमें भी सबका भला ही है, इसमें भी सबका कल्याण ही है। हाँ गुरु जी सबकी रक्षा करे, क्योंकि अगर हमने ये जन्म पाकर भी संगत जी अगर हमने सिर्फ यही सब किया, सिर्फ सोना खाना पीना, और ये वाणी का भी एक शब्द है और मुझे शब्द की लाइंस याद नहीं आ रही, बट उसका मीनिंग यही है कि खाना पीना सोना हमने यही सब किया और सब भुला दिया, तो हमने पूरा अपना जीवन जो है व्यर्थ कर दिया।
जी हाँ मीता जी, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो आप गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है जय गुरु जी। तो सब कुछ गुरु जी करते करवाते हैं और बेहद शुक्राने शुक्राने की कैसे। और ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि हम गुरु जी का शुक्राना हर पल करते रहे और गुरु जी से सॉरी भी मांगनी है और गुरु जी सॉरी, हम हमेशा नीवे होके रहे। गुरु जी हमें जो भी ब्लेस करे, गुरु जी ने हमें हमारी हैसियत से, हमारी हमारे कर्मों से, हमारे औकात से बढ़कर हमें दिया। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग मुझे ये लगती है कि जब गुरु जी मिल गए हमें तो सब कुछ मिल गया और हमें हमेशा गुरु जी की रजा में राजी रहना है। जब टाइम आएगा जो भी आपकी मन की विशेष है वो गुरु जी जरूर पूरा करेंगे, लेकिन उनके टाइम पर। तो गुरु जी हमारा पेशेंस लेवल भी तो चेक करते हैं ना कि कितना पेशेंस है। और गुरु जी बहुत निचोड़ते हैं संगत जी, सच है ये बात, गुरु जी नींबू की तरह निचोड़ते हैं और मुझे तो बहुत निचोड़ा है। और मैं बार बार गुरु जी को ये भी अरदास करती हूँ कि गुरु जी अब बस छिलका रह गया अब बस करो, अब बस करो गुरु जी, मत निचोड़ो। लेकिन गुरु जी हर सिचुएशन से आपको बाहर निकाल देते हैं, आप चाहे कैसे भी सिचुएशन में हो, ये परमात्मा की कृपा है, उनकी नजर है, ये उनकी उनकी बढ़ियाई है कि वो आपको हर सिचुएशन से खींच करके अपने पास ले आते हैं और सारी सोच ही बख्शते हैं, सारा सब कुछ आपको आप पर कृपा बरसाते हैं। तो बेहद शुक्राने शुक्राने गुरु जी महाराज जी के कि हम हमेशा हमेशा शुक्राना करते रहे और गुरु जी उन लोगों को बहुत ब्लेस करें जिनको सच में बहुत जरूरत है, जो जो हॉस्पिटल्स में है, जो बीमार है, जो पता नहीं किन किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। और हम लोग तो अपनी फैमिली में बैठकर भी गुरु जी से करते रहते हैं कि गुरु जी ये नहीं किया, गुरु जी ऐसे कर दो, गुरु जी वैसे कर दो। सो सॉरी गुरु जी, आज मुझे भी मेरे को भी मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि गुरु जी ने मुझे सॉरी बुलवाया और मुझे भी अपनी गलतियों का रियलाइज हुआ, क्योंकि मैं भी ऐसा करती हूँ कि मैं भी कुछ कंप्लेन्स करती हूँ गुरु जी से कि गुरु जी ऐसा नहीं, लेकिन गुरु जी मुझसे बुलवा करके मुझे मेरे भी आंसर्स मिल रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं। तो ये सब गुरु जी की बढ़ियाई है, बेहद शुक्राने शुक्राने। और गुरु जी के सत्संग तो इतने हैं संगत जी कि मैं अगर आपको आप बार बार आते रहा करो आंटी जी, जय गुरु जी सुन लो आप, तो ये गुरु जी अगर कृपा करेंगे तो मैं आती रहूंगी। बेहद शुक्राने शुक्राने गुरु जी महाराज जी के। और गुरु जी के हुकुम से होता है संगत जी सब कुछ ना, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि बस सब गुरु जी से कनेक्टेड रहे, किसी आंटी अंकल को बिल्कुल फॉलो नहीं करना, क्योंकि सब इक्वल है, सब बहुत प्यारे, क्योंकि सारे सत्संग गुरु जी के बनाए हुए हैं सब कुछ। तो हमें गुरु जी को प्यार करना है और सत्संग इतने सारे हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस किस बात का गुरु जी को शुक्राना करूं। और बस मुझे यही डर लगता है और गुरु जी को पता है कि मुझे तो यही चाहिए कि दाता रख चरना दे कोल, चरना दी मौज पड़ी, लेकिन मैं भटक जाती हूँ बहुत बार। लेकिन गुरु जी इतने प्यारे हैं कि मुझे कहीं ना कहीं से दोबारा खींच लाते हैं और मुझे भटकने नहीं देते। तो बेहद शुक्राने शुक्राने गुरु जी महाराज जी के कि वो हमेशा अपनी सेवा में सिमरन में लगाए रखें, हमेशा अपने चरणों में रखें और गलती ना हो ऐसी सोच ही बख्शे, और गलती हो भी जाए तो हमेशा गुरु जी आपने ही संभालना है और गुरु जी संभालते हैं, बिना कहे संभालते हैं सबको। और बहुत सारे सत्संग, एक दो सत्संग और मैं शेयर कर देती हूँ आप सबके साथ जो भी मेरे माइंड में गुरु जी डालते हैं। जय गुरु जी। मेरी फैमिली में सबको गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया, मेरी मम्मी को, मेरे डैडी को, मेरे ब्रदर्स को, सबको, इवन अड़ोसी पड़ोसियों को। और मैं एक ही पहले का सत्संग है तो मैं मंत्र जाप का मेरे माइंड में डाल रहे हैं गुरु जी कि मैं मंत्र जाप के बारे में आप सबको शेयर करूं कि मंत्र जाप में बहुत ताकत है और इस टाइम पर हमें मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो संगत जी, मैं आपको बताऊं, छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी होती है ना, कई बार मेरी डॉटर सो नहीं पाती रात को, बोलती मम्मा नींद नहीं आ रही, तो मैं बोलती हूँ हम मंत्र जाप चलाते हैं और आप बिलीव नहीं करोगे, हम मंत्र जाप चला के जब सो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब सो गए। तो मंत्र जाप में बहुत बहुत शक्ति है, मीन्स ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बिल्कुल मीता आंटी, बहुत ब्लेस्ड है ये मंत्र जाप गुरु जी ने हमें बख्शा। आप ये सोचो कि ये आप कहीं भी बोल सकते हो, कहीं भी, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप मन में बोल सकते हो, आप वर्ड्स में बोल सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन अगर आप मन में करो मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा अच्छा है। और ये गुरु जी की कृपा होती है कि आपकी आत्मा ना मंत्र जाप तो करती रहती है, ये गुरु जी की कृपा से ही होता है कि, और मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। उससे रिलेटेड एक सत्संग बस मैं आपके साथ शेयर कर लूं और फिर वाइंड अप करेंगे। जय गुरु जी।
मंत्रजाप से रिलेटेड सत्संग ये है कि एक आंटी जो मेरे पड़ोस में ही थी, उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी पैर में कि उनको ऑपरेशन बोला गया था कि आपके पैर का ऑपरेशन होगा। और वो मुझे मिली लिफ्ट में और मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताया, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं मंदिर नहीं चल पाऊंगी तो मैं करूँ क्या। तो मैंने उनको समझाया कि हमारे गुरुजी तो ओमनी प्रेजेंट है। ओके, जय गुरुजी, जय गुरुजी, थैंक यू सो वेरी मच मीता जी। तो मीन्स ये था, आंटी को मैंने बोला कि आंटी हमारे गुरुजी तो ओमनी प्रेजेंट है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है संगत जी, मंत्र जाप तो ना गुरुजी का जैसे एक फोन नंबर है। मीन्स पहले तो मैं चाहती हूँ कि कभी कोई प्रॉब्लम किसी के भी लाइफ में आए ना, गुरुजी सबको बहुत ब्लेस करे। अगर आ जाती है और अगर आप मंत्र जाप करते हो तो मुझे लगता है कि बस गुरुजी तो आपके पास ही है, बिल्कुल, मतलब गुरुजी सबके पास आ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो मंत्र जाप इज ना लाइक हिज फोन नंबर, मतलब गुरुजी का नंबर अगर आपको डायल करना है ना तो आप शुरू हो जाओ, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करते हैं। तो मैंने उन आंटी को ये बताया कि आंटी आप ये मंत्र जाप करो और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आप टेंशन मत लो। तो आंटी मुझे नेक्स्ट डे मिली, जब मुझे नेक्स्ट डे मिली लिफ्ट में ही, तो फिर उन्होंने मुझे बताया, कहते हैं मुझे नहीं पता मैंने ये मंत्र जाप किया। और पहली बात तो बेटा कि मैं इतने सालों बाद ऐसी नींद सोई हूं, मुझे इतनी शांति मिली है जो मैं आपको बता नहीं सकती, और मैं बहुत खुश हुई। और उनको गुलाबों की खुशबू आ रही थी और कह रही मेरे घर में पता नहीं खुशबू कहां से आ रही थी, और मैं इतनी खुश हो गई कि वाओ, एक होता ना जैसे गुरुजी ने ना मान रख लिया, बट गुरुजी सच में बहुत प्यारे हैं और सबको ब्लेस करनी तो आए हैं, इसलिए गुरुजी कहते हैं संगत जोड़ो ताकि गुरुजी सबको ब्लेस करे। सबको गुरुजी ब्लेस करने आए, सबको गले लगाने आए हैं, और हम सबको गुरुजी से खुद भी कनेक्टेड रहना है और सबको कनेक्ट करने के लिए सबको आगे करना है कि हाँ आप भी गुरुजी से ब्लेसिंग्स लो। तो उन आंटी ने जब मुझे ये बताया मैं बहुत खुश हुई। और फिर ये था, फिर वो आंटी मुझे नेक्स्ट टाइम पार्क में मिली थी, और पार्क में जब वो मुझे मिली तो एक बटरफ्लाई हमारे चारों ओर पहले तो घूम रही थी और मैं खुश हो गई। फिर मैंने उनको बटरफ्लाई वाला सत्संग बताया कि ऐसे गुरुजी दर्शन देते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके गुरुजी ने तो मेरा हॉस्पिटल ही चेंज करवा दिया, और अब जो उनका हॉस्पिटल है वो कैलाश हॉस्पिटल है। तो मैंने कहा, तो बोल रही देख लो आपके गुरुजी के नाम वाला है, तो मैंने कहा जब आप गुरुजी पर छोड़ देते हो सब कुछ संगत जी, तो सब कुछ आपकी गाड़ी पूरी गुरुजी अपने हिसाब से चलाते हैं, अगर आपने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है तो गुरुजी आपको टाइम के अकॉर्डिंगली सब कुछ ब्लेस करेंगे, लेकिन आपको चलते जाना है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको बिल्कुल मन छोटा नहीं करना है। अगर गुरुजी आपके टेस्ट भी ले रहे हैं तो गुरुजी आपको ऐसा नहीं है कि गुरुजी आप पास नहीं हुए, लेकिन गुरुजी ने आपको सोची बख्शी तो आपका दोबारा से टेस्ट होगा, आप फिर से क्लियर करोगे, और गुरुजी करवाते हैं सब कुछ, गुरुजी सबका हाथ थामे रखते हैं और आगे बढ़ाते जाते हैं। तो जय गुरुजी आशा जी। और ऐसा हुआ, फिर उन आंटी ने मुझे बताया कि मतलब सच में मंत्र जाप में इतनी ज्यादा शक्ति है कि मुझे उन डॉक्टर ने बोला कि आप कहाँ से इलाज करवा रहे हो, और मैंने उनको बोला कि मैंने तो कहीं इलाज करवाया ही नहीं, मैं तो बस कुछ दिनों से ये मंत्र जाप ही कर रही हूँ। और देखो मंत्र जाप की इतनी ताकत है कि डॉक्टर ने बोला कि आपको ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। वो आंटी इतनी खुश हुई, बेहद शुक्राना गुरुजी महाराज जी का, और गुरुजी ऐसी सेवा लेते रहे, गुरुजी प्लीज कृपा बनाए रखना। और वो आंटी इतनी खुश हुई, और फिर मुझे ये हुआ कि आंटी से मैंने पूछा कि आंटी आप यहाँ पर रहते हो और आपके हस्बैंड, तो आंटी ने बोला कि मेरा ना पोता है यहाँ पर, तो उसकी देखरेख के लिए, उसको लुक आफ्टर करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच मीता जी, थैंक यू सो वेरी मच रुचिका जी, जय गुरु जी गार्गी जी। तो मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि मैं अपने पोते को लुक आफ्टर करने के लिए यहाँ रहती हूँ और मेरे अंकल वहां रहते हैं। तो मैंने कहा आंटी ये कैसी बागवा जैसी स्टोरी है आपकी, आपको भी अंकल के पास ही रहना चाहिए। तो हमारी उस टाइम पर मेड आंटी सेम थी, यू वॉन्ट बिलीव संगत जी, कुछ दिनों बाद जब मेरी मेड आंटी से बात हुई, मैंने कहा आंटी भी मुझे नजर आई कहाँ आए, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो आंटी तो मीन्स अंकल के पास ही है, आई थिंक कानपुर, सॉरी मुझे याद नहीं है गुरु जी कहाँ एग्जैक्टली, तो वो अंकल के पास ही वहीं पर ही मतलब चले गए थे। तो बेहद शुक्राना ही शुक्राना कि गुरु जी इतना प्यार करते हैं, और ये परमात्मा ना सबसे बहुत प्यार करते हैं और सबको 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 बहुत ब्लेस करते हैं। तो सब हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं, हम सब जो गुरु जी के बारे में जान रहे हैं ना, हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं, हम सब जो सत्संग में जा पा रहे हैं, हम जब
सभी बहुत बहुत ब्लेस्ड है और गुरु जी सब पर मेहर बनाए रखे, सब पर कृपा करे, सबके अंग संग सदा सहाय रहे गुरु जी, और हमारी गलतियों को हमारे गुनाहों को बख्श दे गुरु जी, और सद्बुद्धि बख्शे, सोची बख्शे कि गलती से भी हम गलती ना करें, और गलती हो तो बख्श दे और फिर से हमें उठाकर चलाते रहे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, और बेहद शुक्राना ही शुक्राना। और संगत जी, बस मैं यही कहना चाहूंगी कि बिल्कुल भी हमें डरना नहीं है, कोई भी नहीं डरेगा सिचुएशन से, क्योंकि हमारे पास हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी हैं, तो हमें डरना बिल्कुल भी नहीं है। हमें बस अपने नाम और सिमरन को बढ़ा देना है, हमें सबके लिए अरदास करनी है, और हो सके तो सबको बताना भी है। और एक सत्संग और मेरे माइंड में गुरु जी डाल रहे हैं, मैं शेयर कर देती हूँ जल्दी से इन शॉर्ट, कि मेरे नेबर्स में एक आंटी थी, उनको कोविड हुआ था, मुझे नहीं पता था, लेकिन गुरु जी ने मुझे ड्रीम में आकर के दिखा दिया कि उनको कोविड हो गया है। और जब गुरु जी ने मुझे दिखा दिया तो मैंने कंफर्म करने के लिए कॉल किया, और शी वॉज क्राइंग सो बैडली। जो मेरी फ्रेंड है वो बहुत ज्यादा रो रही थी कि यार मुझे कैसे हो सकता है, सुना है ना, मुझे क्यों हो गया ये वो। फिर मुझे था कि गुरु जी आप कुछ भी कर सकते हो, मीन्स आप ठीक कर सकते हो सबको, और मैंने गुरु जी से ही अरदास करी, और मैंने उसको भी गुरु जी का नाम लेने के लिए ही बोला कि आप अभी मंत्र जाप चलाओ। और मैंने भी घर पे मंत्र जाप चलाया, और गुरु जी ने मुझे भी यहाँ पर बिठा लिया था अपने पास, और मंत्र जाप किया। उसके बाद जब मैं संगत जी, मुझे ना बाद में बड़ी एक्साइटमेंट होती कि जब कोई सत्संग सुनाता है ना, फिर अपना ऐसा हुआ तो गुरु जी ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि गुरु जी आप कितने प्यारे हो ना, आप कैसे ओमनी प्रेजेंट हो, आप कैसे प्रेजेंट होके ब्लेस करते हो, सारी नेगेटिविटी को कैसे आप पॉजिटिविटी में बदल देते हो, तो ये सब प्यारे प्यारे गुरु जी कर सकते हैं। तो उन्होंने, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि मेरे घर का माहौल जो इतना नेगेटिव था, फर्स्टली मंत्र जाप चलाते ही वो पॉजिटिव हो गया, हस्बैंड वाइफ में अंडरस्टैंडिंग हो गई मंत्र जाप चलाते ही, मतलब उन्होंने मुझे बताया। और मैंने उनको बोला कि आप ये डेली करते रहो, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे, और उन्होंने यही किया। इवन एक और आंटी थी यहाँ पर, उन्होंने भी यही मंत्र जाप किया था, वो भी बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो बेहद शुक्राने शुक्राने, आई मीन टू से, मंत्र जाप में बहुत बहुत शक्ति है, भगवान ना करे कि कोई प्रॉब्लम कभी आए, इसके लिए भी हम मंत्र जाप करते रहें। अगर गुरु जी अमृत वेला उठाते हैं तो उठते रहें, सिमरन सेवा करते रहें, और अगर प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसको बढ़ा दें, लेकिन डरे नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, नाम में बहुत ज्यादा शक्ति है, बहुत ताकत है, जो वर्ड्स में डिस्क्राइब भी नहीं की जा सकती। और वो मेरी फ्रेंड बिल्कुल ठीक हो गई थी, और इवन उसके हस्बैंड लंदन में थे और फिर वो यहाँ पर थी, तो अब वो भी लंदन में है और उसके हस्बैंड भी लंदन में है। तो बेहद शुक्राने शुक्राने, गुरु जी कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं, गुरु जी की मेहर, दाता दे सहारे में कितो कितने आ गया, मुझे भजन याद आ गया। तो गुरु जी के सहारे हम सब कहाँ से कहाँ आ गए, कहाँ हमारी हालत कैसी थी, और गुरु जी ने कितना ब्लेस किया। तो हमेशा गुरु जी हमें नम्रता बनाए रखे, नीवापन बख्शे, मत ऊंची मन नीवा रखे गुरु जी, और हमेशा आपका शुक्राना करते रहे। और कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज माफ कर देना, सॉरी गुरु जी, और प्यारी प्यारी संगत जी से भी माफी, और गुरु जी ने जब हुक्म किया तो जरूर, और सब डायरेक्ट कनेक्शन में रहेंगे, बिल्कुल नहीं भटकेंगे। जय गुरु जी, उषा जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। इसी के साथ वाइंड अप करते हैं, गुरु जी से आज्ञा और प्यारी प्यारी संगत जी से भी आज्ञा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी करते रहे, जय गुरु जी।